मुंबई में हुई दरिंदगी के विरोध में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतर आए। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पवई पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हुए और मुंबई में महिला के साथ हुई दरिंदगी के आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों के हाथों में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर भी दिखे। पुलिस स्टेशन के सामने भीड़ इकट्ठा हुई तो कुछ पुलिस वाले भी हरकत में आए और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, जिससे वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने साकीनाका में हुई महिला के साथ दरिंदगी के बहाने उद्धव सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके लिए सरकार की लापरवाही जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी तरह की घटना हर दिन घट रही है। इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे। सौ बात की एक बात ये कि मुंबई के साकीनाका में हुई दरिंदगी के मामले पर पूरे देश में गुस्सा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मुंबई पहुंचकर जांच में जुट गई है। उद्धव सरकार ने भी भरोसा दिया है कि आरोपी को सख्त सजा मिले, इसके लिए वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाएगी। जबकि बीजेपी इस मामले पर सड़क पर उतर गई है और इसके बहाने महाराष्ट्र सरकार को घेरने की पूरी कोशिश है।